सुस्वागतम छात्राः, अद्य वयं सप्तदशः पाठः विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तम है, विद्या से बुद्धि ज़्यादा उत्तम है। तो कस्मिंश्चित स्थाने, किसी स्थान पर चत्वारो ब्राह्मण कुमारः, चार ब्राह्मण कुमार परस्पर मित्र भावेन वसन्ति स्म, परस्पर आपस में मित्रता के भाव से रहते थे। तेषां त्रयः, उनमें तीन शास्त्रेषु पारंगताः, शास्त्रों में पारंगत थे परंतु बुद्धि रहता आसन, लेकिन बुद्धि नहीं थी, केवल पढ़ लिया था। एकस्तु बुद्धिमान, एक बुद्धिमान व्यक्ति दोस्त था, उनका मित्र था, केवल शास्त्र विमुख था, लेकिन केवल शास्त्र से विमुख था। एकदा ते, एक बार वे अचिंतयन सोचे, उन लोगों ने सोचा, कह गुण विद्यायाः, विद्या का गुण क्या है, ये देशांतरम गत्वा, जिससे देशांतर में जाकर, विदेश जाकर धनार्जन न किया। तद वयम पूर्व देशम चलेम, इसलिए हम सब पूर्व देश की ओर चलते हैं। तथा कृते मार्गे ज्येष्ठा अवदत, ऐसा करते हुए मार्ग में बड़े ने कहा, ज्येष्ठ जो मित्र था, अहो अस्माकम एका चतुर्था शास्त्र विमुखा, अरे हमारे में एक चौथा शास्त्र विमुख केवल बुद्धिमान है, न तो धनाधिकम लभ्यते, अधिक धन भी नहीं प्राप्त कर सकता बिना विद्या के। तत्सह गच्छतु गृहम, इसलिए वो घर जाए। एतस्मात् परम, इसके पश्चात द्वितीय अवदत, दूसरे ने कहा, एवं कर्तुम उचितम न भवति, ऐसा करना उचित नहीं होगा, यतः क्योंकि ऐसा अस्माकं चिरमित्रम, ये हमारा पुराना मित्र है। अतएव आगच्छ मित्र, आओ मित्र, अस्मद् उपार्जितस्य वित्तस्य, हमारे द्वारा उपार्जित किए गए धन से सहभागी भविष्यसि, बराबर के हिस्सेदार हो गए। तदा ते प्रस्थिता, उसके बाद वे प्रस्थान किए। मार्गे ते, रास्ते में उन्होंने, तीनों ने विद्यायाः प्रशंसां कुर्वन्ति स्म, वे विद्या की प्रशंसा कर रहे थे। प्रथमः उक्तवान, पहले ने कहा, यत विद्या सर्वतः उत्तमा भवति, कि विद्या सब जगह उत्तम होती है। विद्या विहीनः, विद्या से विहीन पशुवत जीवति, पशु के समान जीवित रहता है। द्वितीयः वदति स्म, दूसरे ने कहा था, कि यह शास्त्राणि नाधीते, जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, तस्य आदरः, उसका आदर कुत्रापि न भवति, कहीं भी नहीं होता। तृतीयस्य कथनम् आसीत्, तीसरे का कहना था, कि ये बुद्धिं प्रशंसन्ति, जो बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, ते वो मूर्खा, हुए मूर्ख हैं। चतुर्था सुबुद्धि, चौथा जो सुबुद्धि था, बुद्धिमान था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, सर्वम श्रुत्वा आपि, सब कुछ सुन करके भी मौनम आचरितवान, मौन का आचरण किया, चुप रहा। ते एकस्मिन वने, उन सब ने एक वन में मृत श्रृंघस्य अस्थीन दृष्टवन्तः, मरे हुए सिंह की अस्थियाँ देखी। तदा प्रथमा अवदत, तब एक ने कहा, अहो अरे अद्य विद्यायाः परीक्षा कर्तव्या, आज विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। अयम सिंहा मृतः तिष्ठति, ये सिंह मरा हुआ है, अस्मै सिंहाय, इस सिंह के लिए जीवन दानम दातव्यम, जीवन दान देना चाहिए। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर सा सिंहस्य अस्थीनि संयोजितवान, उसने सिंह की हड्डियों को जोड़ा। द्वितीयः तेषु, दूसरे ने उसमें चर्म मांस रुधिरम संयोजयति, खाल चर्म चमड़ा, मांस और रक्त खून डाल दिया। तृतीय है यावत जीवनम संचारयितुम, तीसरा जब तक जीवन संचार करने के लिए, जीवित करने के लिए उद्युक्त उद्यत होता है, तावत चतुर्था सुबुद्धि, तब तक चौथा सुबुद्धि उच्च ही अकथयत, जोर से कहा, भो मित्र तिष्ठतु, हे मित्र रुको, ऐसा सिंघा, ये सिंह है, यदि ऐसा जीवित वो रहता है, हो जाता है, तर्भी सर्वे वयम, तो हम सभी मृत्यु मुखे गमिष्यामः, मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। तथा तृतीय अवदत, धिक मूर्था मूर्खः, धिक्कार है मूर्ख, अहम विद्याम निष्फलाम न करिष्यामि, मैं विद्या को निष्फल नहीं करूँगा। बुद्धि प्रत्यवदत, सुबुद्धि ने कहा, यदि ऐसा है, तदा क्षणम तिष्ठ, तो क्षण भर रुको, यावत अहम वृक्षम आरोहामि, वृक्ष पर मैं चढ़ जाता हूँ,
अतः परम यावत सिंहा जीवित कृता, उसके पश्चात जब सिंह को जीवित कर दिया गया तावत उत्था ऐसा, तब उठ करके उसने तान तीन अपि कुमारान हतवान, उन तीन कुमारों को मार डाला। शास्त्र विमुखा सुबुद्धि, शास्त्र विमुख सुबुद्धि, वृक्षात अवतीर गृहम गता, वृक्ष से उतर कर घर चला गया। उक्तम च कहा गया है परम वरम बुद्धि ही बुद्धि श्रेष्ठ है, न सा विद्या न वो विद्या श्रेष्ठ है बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या या बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीन लोग नष्ट हो जाते हैं, यथा ते सिंहकार का जैसे वे सिंह को पैदा करने वाले। अब आते हैं शब्द संग्रह पर, इसमें कठिन शब्दों को चिन्हित किया गया है, इन्हें अर्थ सहित आप याद करें, आगे भी काम आएंगे। अब हम आते हैं विभक्ति निर्देश पर। बिना के योग में द्वितीया होता है, धनाधिकम विद्याम बिना सिंहाय दांत दानाथिर चतुर्थी वाच्य, दांत के अर्थ में चतुर्थी होती है, तो सिंहाय जीवन जीवन दानम अहम वृक्षम कर्म में द्वितीया वृक्षम आरोहामि, वृक्षात अवतीर अपादाने पंचमी, पेड़ से उतर रहा है अलग हो रहा है, तो वृक्षात अवतीर ये पंचमी भक्ति हो गई। अब आप देखिए उपसर्ग और उनका प्रयोग, गम धातु गच्छति लोट लकार में गच्छ त्वम से है, आगम आगच्छति आता है, आगच्छ आओ लट लकार में, वदति बोलता है लंग लकार में, अवदत प्रतिवद प्रतिवदति प्रत्यवदत लंग लकार में। अभ्यास पे आते हैं, प्रश्न संस्कृत में उत्तर दें, कद ब्राह्मण कुमार आसन, तो चत्वारह ब्राह्मण कुमारा आसन, विद्याया उत्तमा का तो विद्याया बुद्धि उत्तमा, कुमारे स्वास्त्र मुखा का आसीत, कुमारे स्वास्त्र विमुखा चतुर्था आसीत, विद्याम बिना किम न लभ्यते, विद्याम बिना धनाधिकम न लभ्यते, के विनश्यन्ति बुद्धिना विनश्यन्ति। प्रश्न नंबर दो देखेंगे, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तेषां त्रयः शास्त्र पारंगताः, बुद्धि उत्तमः विद्यायाः बुद्धिरुत्तमा, तदा क्षणं तिष्ठ त्वं आज्ञा लोटलकार तिष्ठ, तद्वयं पूर्वदेशं गच्छलेम, एषः अस्माकं चिरमित्रम, हमारा चिरमित्र है। दिए गए शब्दों के वाक्य रचना करें, आगे किया गया है अर्थ आगे दिया गया है। प्रश्न नंबर पाँच भी हिंदी रूपांतरण के बाद देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर छः पे आते हैं, आसन अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दास्यामि दा धातु लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तिष्ठतु स्था धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छ गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, करोमि क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, वसंति वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। संस्कृत में अनुवाद करें, प्रश्न नंबर सात, वह बालक अनपढ़ पर बुद्धिमान था, सह बालक शास्त्र विमुख परंतु बुद्धिमान आसीत, मेरी विद्या व्यर्थ नहीं करो, मम विद्याम निष्फलाम मा कुरु, सुबुद्धि पेड़ से उतरकर घर गया, सुबुद्धि वृक्षात अवतीर्य गृहम गतः, इसलिए विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, अतएव विद्या बुद्धि उत्तमा, बुद्धिहीन का विनाश होता है, बुद्धिहीनः विनश्यति। हिंदी रूपांतरण देखिए, इसके बाद उससे आप रिवाइज कर लीजिए। शब्द संग्रह यहाँ दिए गए हैं, प्रश्न नंबर तीन का उत्तर यहाँ दिया गया है। त्रयः त्रयः मित्राणि सन्ति एकत्र पुष्पाणि एकत्रम कुरु, वृक्षात वृक्षात पत्राणि पतन्ति अवतीर्य वृक्षात अवतीर्य सुबुद्धि गृहं गतः, यथा
यथा कर्तव्य तथा भोक्तव्य। प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखिए, अर्थ लिखें, एकदा एक बार, संभागी बराबर का हिस्सेदार, अस्थीन हड्डियों को, उत्थाय उठकर, तिष्ठतु बैठो रुको या ठहरो। प्रश्न नंबर 5, 5 शिक्षाएं क्या क्या मिलती हैं हमें इस पाठ से, तो विद्यायाः बुद्धि श्रेष्ठः, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्यां बिना धनम न लभ्यते, विद्या के बिना धन नहीं प्राप्त होता, वरम बुद्धि नसा विद्या, बुद्धि श्रेष्ठ है वो विद्या श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धिना विनश्यन्ति, बुद्धिहीन लोग नष्ट हो जाते हैं, शास्त्राणि सह बुद्धि अभी अपेक्षते, शास्त्र के साथ बुद्धि की भी चाहिए। ये 5 शिक्षाएं उन्होंने पूछा है, 5 शिक्षाएं आपको मिलती हैं कि विद्या या बुद्धि श्रेष्ठा, विद्या बिना धनम न लभ्यते, वरम बुद्धि न सा विद्या, बुद्धि ना विनश्यन्ति, शास्त्राणि सह बुद्धि अपि अपेक्षते। थैंक यू।